A very warm welcome to everyone watching this video. Myself Vikas Nehra, and I am associated with GNIT College of Management, GN Group, Greater Noida. I am here uh, giving you a just lecture on financial accounting analysis. It is my just 36th lecture on human resource accounting. Let's see, friend, what is human resource accounting? First, we have to know that what is human resource. Basically, what is human resource? What is human resource? Basically, human resource refers to the just employees or a um, workforce in an organization. So, human resource is considered an important asset and are different from the physical asset. फ्रेंड्स एक छोटी सी चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कि वी कैन सी द इन बैलेंस शीट एक बैलेंस शीट होती है जिसमें एक साइड होती है आपकी लाइबिलिटी दूसरी साइड होती है आपकी एसेट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारी लाइबिलिटीज़ में हमारी होती हैं कैपिटल दे आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल बोरोड कैपिटल एंड ऑनर्स कैपिटल कैपिटल में फाइन यहाँ क्या होते हैं एक तो ऑनर्स फंड होता है दूसरा होता है बोरोड फंड इट इज़ बोरोड फंड एक अपना पैसा एक दूसरे की जेब का पैसा असेट में क्या होती है हमारे दो तरह के असेट्स होते हैं यहाँ हम कह सकते हैं कि दो तरह की हमारी लाइबिलिटीज़ हैं एक करंट लाइबिलिटी फाइन एक होती है हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी सेम करंट एसेट इसमें भी क्या होती है एक करेंट एसेट होती है एक होती है नॉन करेंट एसेट जिसे हम पहले फिक्स एसेट बोला करते थे फाइन ये कौन सी साइड है ये साइड दिखाती है कि हमारा फंड आखिरकार कहाँ से रेज हुआ रेजिंग ऑफ फंड अब जहाँ से फंड रेज हुआ उसके बाद इस फंड को रेज करने के बाद हम क्या करते हैं दिस साइड शोज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड यहाँ से पैसा आया और यहाँ पे पैसा लगाया अगर मैं करंट एसेट्स की और या एसेट्स की बात करूँ तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास होती हैं मशीनरीज होती हैं कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं फाइन कुछ कैश होता है और भी ना जाने कितनी तरह की एसेट होती हैं लेकिन If I can see, there are basically two types of industry. एक होती है आपकी manufacturing industry, एक होती है आपकी service industry. Manufacturing industry में हम जो basically हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा important asset होती है वो हमारे लिए हो गई machinery, land and building, fine. और जितनी भी assets होती हैं सारी physical assets जितनी भी कहें और अगर if I talk about the service industry, इसमें सबसे ज़्यादा जो आपके लिए मेन एसेट होगी क्योंकि अगर इफ़ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ सैलून और अ ब्यूटी पार्लर फाइन तो उसमें सर्विस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो आपके लिए एसेट होगी वो एसेट मानी जाती है आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स सो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल इज एन इम्पोर्टेंट एसेट वी कैन से कि ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल क्योंकि ऑल कमाते तो हम इसी से ही है. पैसा इसी में भी लगाते हैं क्योंकि अगर मैंने किसी मैनेजर को रखा या डायरेक्टर जनरल मैनेजर को रखा या किसी और स्टाफ को रखा आई हैव टू गिव सैलरी और वो सैलरी आखिरकार कहाँ से आएगी आएगी तो यहीं से जहाँ से मेरा फ़ंड रेज हुआ था तो ये मेरा भी एक तरह से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है इट शुड ऑल्सो कम इन अ सेट सो पहले जो था कंपनीज इस चीज़ को कंसिडर नहीं करती थी लेकिन धीरे धीरे सीनेरियो हैज़ बीन चेंज्ड नाउ वी कैन कंसिडर द ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल इज एन इम्पॉर्टेंट एसेट सो इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट एसेट एंड आर डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल एसेट डेफिनेटली इट इज लाइक एन इंटेंजिबल एसेट फिजिकल एसेट्स डो नॉट हैव फीलिंग एंड इमोशंस वेयर एज ह्यूमन एसेट्स आर सब्जेक्टेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस जो फिजिकल एसेट होती हैं उनकी कोई इमोशंस नहीं होती लेकिन अगर हम बात करें कि ह्यूमन रिसोर्स की तो ह्यूमन रिसोर्स की अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं अपने अपने इमोशंस होते हैं फाइन सो जैसे जैसे आपकी इन द सेम वे लाइक फिजिकल एसेट्स ह्यूमन एसेट्स नेवर गेट डेप्रीशिएटेड अब इस पर तो डेप्रीशिएशन आपका चार्ज हो सकता है लेकिन इस इसपे डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं हो सकता फाइन ह्यूमन रिसोर्स आर द डिविजन ऑफ बिजनेस दैट इज चार्ज विद फाइंडिंग स्क्रीनिंग रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग जॉब एप्लीकेंट्स एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिंग एम्प्लॉयज़ बेनिफिट होता क्या है कि जब मैं ह्यूमन रिसोर्स को किसी को इंट्रोड्यूज करता हूँ किसी भी अगर यहाँ पे मैनेजर को या डायरेक्टर जनरल मैनेजर को या एम्प्लॉय को या किसी भी एग्जीक्यूटिव को मैं प्लेस करूँगा उसके ऊपर कंपनी को कुछ एक्सपेंसिस करने पड़ते हैं लाइक like, अगर मैं बात करूँ कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कंपनी को प्रोवाइड करानी पड़ती है कंपनी को ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से पहले उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना पड़ता है उससे पहले स्क्रीनिंग होती है उस सभी में कुछ न कुछ कॉस्टिंग कंपनी की आती है अगर कंपनी की कहीं ना कहीं कॉस्टिंग आएगी तो कंपनी को उसे कैलकुलेट करने के लिए एनालिसिस करने के लिए उसके लिए भी एक अलग से एक अकाउंटिंग प्रोसीजर पूरा तैयार करना पड़ेगा फाइन सो देर फॉर द वैल्यूएशन ऑफ एच आर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अब कंपनी ने तो यहाँ पहले क्या करती थी कि कंपनी सोचती थी कि मैंने पैसा कहाँ लगा दिया अपना असेट में लगा दिया करंट असेट में और नॉन करंट असेट में mm. लेकिन नाउ द टाइम हैज़ बीन चेंज्ड कि कंपनी अब क्या देखती है कि मैंने पैसा कहीं एक जगह और लगाया था जिसे मैंने कंसिडर नहीं किया था विच आई हैव नॉट कंसिडर एंड इट इज अ ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं उसकी कॉस्टिंग आ रही है कंपनी हैव टू पे एज अ सैलरी एज अ वेजेस फाइन

सभी चीज़ों के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है चाहे इवन प्रोडक्शन की भी हम बात करें मशीनरीज पे भी कंपनी को किस मशीनरी पे भी किसको काम करना पड़ता है ह्यूमंस को काम करना पड़ता है विदाउट ह्यूमंस वी कैन नॉट ऑपरेट द मशीन्स फाइन सो इट इज रिक्वायर्ड टू टेक सम मेजर्स टू डेवलप देयर ह्यूमन रिसोर्स बट ऑल्सो टेकन मेजर्स टू एक्सेलेट देयर वैल्यूज एज वी नो वॉट इज अकाउंटिंग बेसिकली अकाउंटिंग इज अ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग द डाटा फाइन सो वॉट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग

और कुछ एक्सटर्नल होंगी इंटरनल आपकी कौन होंगी इंटरनल सारी होंगी आपकी जैसे कि जस्ट टेक एन एग्जाम्पल जितना भी वहाँ का मैनेजमेंट होगा आखिरकार इंटरनल का तो समझ में आया कि इंटरनल पार्टीज इंटरेस्टेड होंगी लेकिन वाई द एक्सटर्नल पार्टीज आर इंटरेस्टेड जस्ट टू कैलकुलेट द और आइडेंटिफाई एंड मेजर द डाटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉलेज की कंपनी कॉलेज जो है किसी फैकल्टी को कितना अमाउंट पे करता है कितनी सैलरी पे करता है उससे उसकी वर्थ डिसाइड होती है और अगर हाईएस्ट सैलरी पे करेगा तो उसका जो टर्नओवर ओवर रेशो है वो भी कम हो जाएगा फैकल्टीज़ का टर्नओवर ओवर रेशो जितनी अच्छी सैलरी उतना अच्छा काम भी उसे मिलेगा फाइन टर्न भी कम होगा एबसेंटीज absent, भी कम होगा और वहाँ क्या होगा जी अगर ये सारी चीज़ें कम होंगी जी ऑब्वियसली जो आपकी जो स्टडी की क्वालिटी है वो भी बढ़ेगी वहाँ का स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव रहेगा सारी चीज़ें मेंटेन रहेंगी फाइन या किसी और कंपनी भी अगर देखें कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा एबसेंटिज्म होने लगी या कंपनी कोई भी अगर जो एम्प्लॉई है बार बार छोड़ के जा रहा है जी एक आया फिर चला गया दो महीने बाद उससे कंपनी की जो कॉस्टिंग है वो इंक्रीज़ हो जाती है कंपनी को फिर उसे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी फाइन अकॉर्डिंग टू स्टेफन नॉफ एच आर इज़ द मेजरमेंट and quantification of human organization organizational input such as many such as recruiting training experience and commitment. Let us see what are the objectives of human resource accounting here we can see uh, what is our main objective mainly our main objective is just to reduce the cost so that we can maximize the profit. कॉस्ट रिड्यूज हुई प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुआ बट हाउ कैन वी रिड्यूज द कॉस्ट बाय ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अस सी प्रोवाइडिंग कॉस्ट वैल्यू इंफॉर्मेशन अबाउट एक्वायरिंग डेवलपिंग एलोकेटिंग एंड मेंटेनिंग ह्यूमन रिसोर्स दरअसल ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक तरह से आपको क्या प्रोवाइड करता है कि कितनी एक्वायरिंग में कॉस्ट लगी उसे जब हम एक्वायर करते हैं किसी भी एम्प्लॉय को उसके डेवलपमेंट में लाइक व्हेन वी गिव द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट वहां पे भी आपका कंपनी का खर्चा होता है एक्सपेंसेस होते हैं व्हेन वी एलोकेट एंड व्हेन वी मेंटेन द ह्यूमन रिसोर्स ना जाने और सारे कितने नाम तमाम कितने एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स इनेबलिंग मैनेजमेंट टू द मोनिटर द यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइंडिंग डेप्रीशिएशन और

कितनी हमें रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है आखिरकार रिक्रूटमेंट कितना चाहिए ना तो ज़्यादा ना तो कंपनी का रिक्रूटमेंट कम हो ना ज़्यादा हो इट शुड नॉट बी लेस इट शुड नॉट बी मोर इसका कैसे पता चलेगा वेन वी डू द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्योंकि अगर ज़्यादा हो गया तो कंपनी की कॉस्टिंग बढ़ेगी कम हो गया तो कंपनी के जो जितने भी आपके कंपनी के अफेयर्स हैं उस पर अफेक्ट पड़ेगा फॉर बेटर डिसीजन्स अबाउट पीपल बेस्ड ऑन इम्प्रूवड इंफॉर्मेशन सिस्टम वी कैन टेक द बेटर डिसीजन्स रिलेटेड टू द ह्यूमन मैन पावर असिस्टिंग इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर फाइन वेरी मच फाइन वी कैन जस्ट मेक द एफिशियंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर और अ ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग लेटेसी वॉट आर द बेनिफिट्स वो तो थे हमारे ऑब्जेक्टिवस कि आखिरकार क्यों ज़रूरत है या किस लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के जिससे कि हम एक इफेक्टिव यूटिलाइज कर सकें अपने मैन पावर का बेटर डिसीजन ले सकें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी हम अच्छे से कर सकें साथ साथ एक मैनेजल अवेयरनेस बढ़ा सकें और अपनी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस हैं उसे भी हम डेवलप कर सकें साथ साथ

तो इससे क्या कब कैसे पता चलेगा वेन वी जस्ट कैलकुलेट एंड डिस्लोज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्योंकि आफ्टर ऑल वो पैसा हमारा जो इधर का पैसा था लाइबिलिटी में जो हमने शो किया था ये जो आपकी फंड रेज वाली साइड होती है जिसमें आप कैपिटल शो करते हैं ये इन्वेस्ट करती हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप नॉन करंट एसेट कहें या करंट एसेट कहें इसी नॉन करंट एसेट में आपके ह्यूमन रिसोर्स आती है तो जब आपने कैपिटल यहां से यहां इन्वेस्ट की एसेट साइड में इसका रिटर्न भी तो आपको मिलेगा और मिलना भी चाहिए तो कितना रिटर्न मिला यह कैसे पता चलेगा इन सभी की कैलकुलेशन इस वाली साइड का कैलकुलेशन करके डिस्क्लोज द वैल्यू ऑफ इंफॉर ह्यूमन रिसोर्स विच हेल्प्स इन प्रॉपर इंटरप्रिटेशन टू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर कोई व्यक्ति मैंने टेन लैख रुपीज पर ईयर पे रखा है तो वो मुझे कितना अर्न करके दे रहा है उसकी भी तो कैलकुलेशन करेंगे आदर ही और शी इज गिविंग मी अटलीस्ट ट्वेंटी लैख रुपीज और नॉट पर ईयर इफ इट इज यस देन डेफिनेटली वी आर गेटिंग अ रिटर्न ऑन अवर कैपिटल एम्प्लॉयड एंड वॉट आर द अदर बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ऑन वी कैन जस्ट टेक एज अ वी कैन टेक एज असिस्टेंस इन मैनेजल डिसीजन जो एक हमें मैनेजल डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है और कितनी नहीं है फाइन इट इज इम्प्लीमेंटेशन इट्स इंप्लीमेंटेशन क्लियरली आइडेंटिफाइज ह्यूमन रिसोर्स एज वैल्यूएबल एसेट विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग मिश्यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय द सुपीरियर एज वेल एज द मैनेजमेंट क्या आइडेंटिफाई करता है इट इम्प्लीमेंटेशन क्लियरली आइडेंटिफाइज ह्यूमन रिसोर्स एज वैल्यूएबल एसेट ह्यूमन रिसोर्स क्या है हमारी बहुत वैल्यूएबल एसेट है जैसे हम किसी मशीनरी को बड़े आराम से रखते थे कि भाई ये कहीं ख़राब ना हो जाए सेम लाइक दैट कि ह्यूमन रिसोर्स को भी हम अपने बड़े आराम से रखेंगे कि कहीं वो उसका मिस यूज़ ना कर लिया जाए ताकि या कोई उसे सुपरवाइज़र जो आपके सुपरवाइज़र हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं उससे गलत तरीके से काम ना लें उसे उसके साथ कुछ गलत बिहेव ना करें क्योंकि अगर वो एम्प्लॉ वहाँ से चला गया उसकी जगह हमें दूसरा रिप्लेस करना पड़ेगा और रिप्लेस करने के हमारी फिर अगेन कॉस्टिंग आएगी सो इट इज अ वैल्यू और रिप्लेस करने में कॉस्टिंग तो साथ साथ आएगी लेकिन वहां जो प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा उतना जो लीड टाइम रहा जाने के बाद वो भी क्या है एक तो तरह से टाइम इज इक्वल टू मनी एज वी कैन से इन फाइनेंस सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस अंडरस्टैंडिंग द आई इफेक्ट ऑफ लेबर एंड रेस्ट ऑन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी हाउ है कि हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी अगर हम उनके टैलेंट को उनके डिवोशन को उनके स्किल्स को कंसिडर करेंगे कि दीज आर द वैल्युएबल एसेट्स और वो भी समझें कि कि हमारी भी कंपनी में वर्थ है डेफिनेटली वो मन लगा के काम करेंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी एसिस द मैनेजर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन बेस्ट मैथड्स ऑफ वेजिज एंड सैलरी साथ साथ हम उनकी जब कैलकुलेशन करेंगे कि वर्थ कितनी निकल के आ रही है और वो कैसे होगी ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के थ्रू होगी और हम उससे उनकी जो बेस्ट वेजेस और सैलरी है वो आराम से डिसाइड कर सकते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग दे आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस एज वेल एज द एडवांटेजेस आल्सो ऑफ फॉर द वैल्यूएशन मेथड फाइन सो बेसिकली यहाँ कोई एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है इज नो स्टैंडर्ड प्रोसीजर डेवलप्ड सो फार तो कंपनी के लिए जो कोई एक तरह से हर कंपनी उस चीज को फॉलो कर सके जैसे स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर होते हैं स्टैंडर्ड अकाउंटिंग होती हैं कुछ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं सो अंडर कन्वेंशनल अकाउंटिंग सर्टेन स्टैंडर्ड्स आर एक्सेप्टेड कॉमनली विच इज नॉट पॉसिबल अंडर दिस मैथड देर आर सम अदर लिमिटेशन ऑल द मैथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन असर्स आर बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पन्स कुछ ना कुछ एजम्पशन पे बेस्ड होते हैं बिल्कुल सही और जरूरी नहीं है कि वो एजम्पशंस पूरी हो या ना हो एग्जाम्पल इट इज एज्यूम्ड डैट ऑल वर्कर्स कंटिन्यू टू वर्क विद द सेम ऑर्गेनाइजेशन टिल रिटायरमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल इट मे बी बट मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ नॉट पॉसिबल फाइन इट इज एंड इट इज बिलीव दैट द ह्यूमन रिसोर्स डू नॉट सफर ड्रिशिएशन एंड इन इन फैक्ट दे ऑलवेज एप्रीशिएट विच कैन ऑल्सो प्रोवाइड अदरवाइज इन सर्टिन फॉर्म्स ऐसा नहीं है कि भाई हम सोचते हैं कि केवल केवल जो जो आपकी हम सोचते हैं कि इट इज़ बिलीव दैट ह्यूमन रिसोर्स डू नॉट सफ़र डेप्रिशिएशन आखिरकार डेप्रिशिएशन देखें तो डे बाय डे किसी एक व्यक्ति की कैपेसिटी वो या किसी ह्यूमन की कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस होती जा रही है जैसे जैसे एक किसी की एज बढ़ती है साथ साथ उसकी काम करने की कैपेसिटी कम होती चली जाती है फाइन द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैन नॉट बी एस्टिमेटेड कह नहीं सकते कि कब उसकी लाइफ एंड हो जाए हम सोच के तो यही चल रहे थे कि वो जो काम करेगा इट ही विल वर्क विद द सेम ऑर्गेनाइजेशन टिल रिटायरमेंट पर लाइफ से रिटायर कब हो जाए उसका खुद ही नहीं पता ना जाने कोविड नाइन्टीन में कितने सारे ऐसे हैं कि जो लाइफ से ही रिटायर हो चुके फाइन लेट इस व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ मैथड विच इज फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन कॉस्ट सेकेंड इज बेस्ड ऑन वैल्यू वी कैन से दैट इफ ऑन द बेस्ड ऑन कॉस्ट मैथड कि यह आपका प्रजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसिडर नहीं करता बेस्ड ऑन वैल्यू इट कंसिडर द प्रजेंट वैल्यू मैथड जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उसे कंसिडर करता है दीज आर द मैथड्स विच आर बेस्ड ऑन बेसिकली टोटलिकली टोटल दे आर आर सेवन मैथड्स हिस्टोरिकल अप्रोच रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच अपॉर्चुनिटी स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड लेवन स्वर्स अप्रोच मॉर्स मॉडल पैकिंग ओवन लेट इस व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच मेथड। इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट मतलब अब मैंने किसी सपोज कीजिए कि मिस्टर ए को अगर मैंने उसे मिस्टर ए को कोई मैंने जॉब देनी है तो अब उसके लिए मैं स्क्रीनिंग भी करूँगा स्क्रीनिंग में भी जो इस लोग स्क्रीनिंग करेंगे उसमें भी जो है जो भी लोग लगे होंगे उसके उसको भी कुछ ना कुछ सैलरी जाएगी स्क्रीनिंग के बाद मैं उसका रिक्रूटमेंट करूँगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी कुछ ना कुछ टाइमिंग और पैसा लगेगा आफ्टर दैट मुझे ट्रेनिंग एंड उसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कराना पड़ेगा इन सभी पे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, 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 कुछ उसकी कॉस्टिंग आती है जितनी भी उसे रिक्रूट करने में उसकी कॉस्टिंग आई जितनी भी रिक्रूटमेंट में कॉस्टिंग आई कॉस्टिंग ऑन रिक्रूटमेंट दैट इज बेसिकली हिस्टोरिकल कॉस्ट ये सच कॉस्ट में भी टू टाइप्स एक्विजिशन कॉस्ट एंड लर्निंग कॉस्ट लर्निंग कॉस्ट इच इज रिलेटेड टू जस्ट लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कितना उसे काम सिखाया गया एक्विजिशन उसे एक्वायर करने में या फिर रिक्रूट करने में जितना भी उसे टाइम या फिर मनी लगा

इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट नंबर ऑफ ईयर्स ओवर विच कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर कंसिडर अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉज कॉस्ट एंड इग्नोर्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल सर्विस वॉट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट इट इज सिंपल इट सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड कंसिडर हाउ मच इज कॉस्ट टू रिप्लेस अ फॉर एग्जिस्टिंग रिसोर्स मिस्टर ए काम कर रहे थे मैंने वहाँ रिक्रूट किया था लेकिन मिस्टर ए बेचारे किसी वजह से वहाँ से चल बसे कोविड 19 में अब वो तो चल बसे लेकिन उसके जाने के बाद मुझे किसी दूसरे बंदे को जब मैंने रिक्रूट किया मिस्टर बी को उसे रिक्रूट करने में मुझे अगेन जितना भी सेम वही प्रोसेस करना पड़ा यानी कि उसे रिप्लेस करने में जितना भी मुझे मनी अपना स्पेंड करना पड़ा दैट इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट अंडर दिस मेथड हिस्टोरिकल कॉस्ट इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट कंडीशन फाइन

व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होती है कि जो मैंने दो ऑल्टरनेटिव हैं ऑल्टरनेटिव एल्टरनेटिव बी इसकी एक लाख कॉस्ट आई थी इसकी वन पॉइंट फाइव लैख कॉस्ट आई लेकिन मैंने चूज ये किया तो जो चूज़ नहीं किया जिस ऑल्टरनेटिव में दैट विल बी द दल्टरनेटिव कॉस्ट अंडर दिस अप्रोच वन टेक्स इन टू अकाउंट हाउ मच इट कॉस्ट टू रिप्लेस अ फर्म एग्जिस्टिंग रिसोर्स एंड दस रिप्रजेंटर

और ये आपके मार्केटिंग वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में भी इसमें भी ये मैनेजर हैं और मैनेजर के बाद उसके बाद कौन है ये तो मैनेजर हो गए ये एग्ज़ीक्यूटिव मैनेजर हो गए उसके बाद एग्जीक्यूटिव मैनेजर के बाद ये यहाँ कुछ टीम लीडर्स होते हैं इन सब की सैलरी फिक्स होगी जी अगर मैनेजर आएगा तो सीधा सीधा वन लेख की सैलरी पर आएगा एग्जीक्यूटिव्स होंगे तो फिफ्टी लैख की सैलरी पर टीम लीडर होंगे थर्टी थाउजेंड की सैलरी पे इट मीन्स कॉस्ट आर फिक्सड अकॉर्डिंग टू द देयर डेजिग्नेशन एंड ग्रुप्स फाइन वॉट आर द एडवांटेजेस इट इज सिंपल एंड इजी टू एक्सप्लेन डज नॉट कंसिडर डिफरेंसिज इन एम्प्लॉयज कोई ऐसा डिफरेंस नहीं करता कि एक स्टैंडर्ड हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है इस पे स्केल फिक्स कर दिया है फाइन दीज आर द सम अदर मैथड्स विच आर बेस्ड ऑन द वैल्यू ये जो मॉडल था इट वॉज डेवलप्ड इन नाइनटीन सेवेंटी वन एंड इट वॉज गिवन बाय द लेवन स्वर्ड सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये मॉडल क्या कहता है इसने भी क्या कहा कि इसे कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड स्किल्स उसने ग्रुप्स को तो डिवाइड किया लेकिन इसमें भी ग्रुप को डिवाइड किया किस किस के बेस पे? एक एज के बेस पे और स्किल्स के बेस पे। और उनकी एवरेज एनुअल वो लर्निंग्स आर डिटरमाइंड फॉर द रेंज ऑफ एज जैसे कि 20 से 25 तक जो एज है 25 से 30 तक एज है 30 से 35 तक जो एज होगी इस एज में जैसे जैसे ऐज बढ़ेगी एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा लेकिन जो काम करने की जो कैपेसिटी होगी लाइक इन मार्केटिंग एंड सेल्स यहाँ पे ज़्यादा होगी यहाँ पे एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा लेकिन वो कैपेसिटी कम होगी फाइन द टोटल अर्निंग विच ग्रुप्स विच ईज ग्रुप्स विल गेट अप रिटायरमेंट एज आर कैलकुलेटेड कि लास्ट जो टोटल अर्निंग है उसकी कैलकुलेट की जाती है कि जो उसकी रिटायरमेंट एज तक कितनी कितना कर लेगा कितना वो उस पर एक्सपेंसिज लग रहे हैं हमारे और कितनी उसकी वो अर्निंग हमें या रिटर्न करके दे रहा है ये कैलकुलेशन की जाती है फाइन दिज आर द मॉर्स मॉडल द मॉडल इज डेवलप्ड इन नाइनटीन सेवनटी थ्री फाइन एंड इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन नेट बेनिफिट कितना नेट बेनिफि कितना कितना बेनिफिट हुआ उससे दिस इज पैकिंग ऑर्गन मेडल एंड दिस इज ऑल्सो द अप्रोच विच इज जस्ट द सर्टेनिटी विद विच द नेट बेनिफिट्स इन फ्यूचर फ्यूचर में नेट बेनिफिट क्या होगा यानी कि ये आपका प्रजेंट वैल्यू को कंसिडर करता है फ़ाइन कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद एच आर प्रैक्टिसिंग कौन कौन सी है हमारी इंडिया में इट वॉज़ इंट्रोड्यूस्ड वे बैक इन नाइनटीन एटीज से स्टार्ट हो चुकी थी इट इज स्टार्ट गेनिंग पॉपुलरिटी इन इंडिया नाइनटीन एटीज से ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज सम ऑफ द इंडियन कंपनी बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट वैल्यू देयर रिसोर्स रिपोर्ट दिस इन्फॉर्मेशन कुछ प्रैक्टिसिंग इंडियन इंडियन कंपनीज हैं जो कि आपकी इसमें है आई यू कैन सी की जैसे सेल है बी एच एल है ओ एन जी सी एम एम टी सी 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 आई फाइन दीज आर द कंपनीज विच आर प्रैक्टिसिंग इंडिया एंड दीज आर द सम वॉट आर द इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली concept of accounting is not recognized by tax authorities fine joe and approach which value in regard makes it less reliable so these are the references so thanks to all thank you very much